हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी मॉर्निंग ऐसे हो रही है चाय के साथ। ये देख सकते हो, मैं चाय बना के ले आई और इसमें ले आई हूँ, क्योंकि चाय और बिस्किट ही खाना था, तो इसलिए मैं ट्रे लाई भी इसमें ले आई हूँ। और हस्बैंड का थोड़ा तो आज ऑफिस था, लेट से है, तो अभी वो सो रहे हैं, तो मैं आज में नहा भी ली हूँ और चाय भी बन गया है मेरा। तो चाय और बिस्किट अभी मैं खाऊंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट तो मेरे लिए तो बना हुआ है, हस्बैंड के लिए कुछ बनाऊंगी। क्या हुआ तो रात में मैं सब्जी बनाई थी, वो भी बच गया था, और पराठा बनाई थी, तो पराठा का जो आटा लगाई थी वो भी था ही, तो वही पराठा और सब्जी खा दूंगी। और हस्बैंड मैं ओट्स खाएंगे शायद, तो ओट्स बना दूंगी, नहीं तो उठते हैं तो पूछती हूँ क्या खाएंगे। और मैं अभी खा रही हूँ चाय बिस्किट, तो यही होता है कि मॉर्निंग मॉर्निंग, और थोड़ा सा टीवी भी देख लूंगी, तो मैं ऐसे चाय बिस्किट खाती हूँ। बहुत अच्छा होता है चाय के साथ बिस्किट डुबो के। और अभी मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे न्यूज भी देखना है। मॉर्निंग में थोड़ा सा न्यूज देख लेती हूँ, फिर तो पूरे दिन बिजी हो जाती हूँ, टाइम नहीं रह जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा न्यूज देखूंगी, उसके बाद मतलब चाय के साथ साथ थोड़ा न्यूज भी देख लूँ क्या हो रहा है। कभी कभी अपडेट हो जाएगी कसौटी सिर्फ दौलत नहीं, और टीवी भी चल रहा है मेरा दोस्तों से हो भाई, न्यूज में भी ऐड नहीं छोड़ता है ना। तो चलिए मैं अपनी चाय का एंजॉय करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ, देखती हूँ हस्बैंड क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, फिर बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही काम है आज, आज मेरे पास मतलब इतना सारा काम है ना, दो दिन से मैं कुछ काम करी नहीं हूँ, तो बहुत सारा काम है आज, तो सब काम करूँगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो सुबह का तो वही होता है डेली ब्रेकफास्ट, ये वो वही सब होता है। तो यहाँ बादाम तो डेली का होता है, तो मैं उनको बादाम दे रही हूँ, क्योंकि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो हाथ इंगेज है उनका, तो मैं उनको भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। सुबह सुबह तो मुझे नमकीन खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, मतलब नमक मैं नहीं खा सकती हूँ सुबह। तो आज देखिए बचा हुआ था रात की सब्जी, तो मैं सोची फेंकना तो अच्छा नहीं लगता है ना, वो भी अभी के टाइम में, तो मैं सोची चलो सब्जी के साथ पराठा बना लेती हूँ, बट पराठा नहीं बना के मैं रोटी ही खा रही हूँ यहाँ। और अभी तो डबल काम बढ़ गया है, जो मेड हेल्प कर देती थी, मतलब सब्जी वब्जी काटने का, लंच का प्रिपरेशन जो भी था वो कर देती थी, बस मुझे बनाना होता था, वो सभी मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वो सब करके किचन से थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो यहाँ सब ये सब बहुत दिनों से पेंडिंग था काम, फोल्ड साड़ी वाड़ी फोल्ड करना, तो ये सब फोल्ड करके मैं अभी वार्डरोब थोड़ा सही करूँगी। हे फ्रेंड्स, तो देख सकते हो ये सब जो भी मैं बैग वैग जो भी मतलब एक वीडियो बनाई थी, कुछ दिनों से बैग वैग बाहर ही पड़ा हुआ था सब, तो सब कहीं हैंग कर देती हूँ, अब टाइम मिलेगा तभी डालूंगी सोच के, तो अभी टाइम मिला है तो मैं इस वार्डरोब को भी सही कर रही हूँ और ये बैग भी हैंग कर दूंगी, मतलब जो भी कुछ है ये सबको अच्छी तरह से तेल लगा दूंगी, कपड़े को हैंग कर दूंगी जो भी इधर उधर है। ये भी देखिए इसको भी फोल्ड करना था, ऐसे ही रख देती हूँ, मतलब जो भी निकाल दूँ ऐसे ही पड़ा हुआ था, अभी कुछ टाइम मिल नहीं रहा था। और शर्ट को भी, ये शर्ट भी निकाली थी, शर्ट भी ऐसे ही पड़ा था, तो उसको भी हैंगर में लगा के हैंग कर दूंगी। बोलते हैं ना बहुत काम बढ़ जाना, मेड नहीं आने से यही होता है कि काम पे काम बढ़ता रहता है और पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या पेंडिंग पड़ा है काम। तो मैं देखी हूँ आज, ये देखी तो ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, मैं सोच चलो आज इसी काम को ख़त्म कर देती हूँ, तो यहाँ सब मैं हैंगर में लगा रही हूँ। और इस वार्डरोब को आज मुझे एकदम सही करना है, जहाँ तक हो सके एकदम परफेक्ट तो नहीं बोल सकती हूँ, बट सही करना है। तो ये देखो ये कपड़े जींस सब कुछ जो भी था धोई थी, तो सबको तह लगा के रख रही हूँ यहाँ। पावर प्रेशर कुकर का सीटी मार रहा है, वो नीचे से वॉइस आ रही है किसी का नीचे में प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है, तो वही वॉइस आ रही है। तो यह मैं अब जो साड़ी वाड़ी मतलब साड़ी में ये वाली जो है ना, इसमें मैं साड़ी जितना भी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट ये सब रखती हूँ, तो ये साड़ी भी मैं अब ऐसे ही फोल्ड करके रखा हुआ था, तो उसको भी थोड़ा फोल्ड करके रख देती हूँ अच्छे से, तो नेट की साड़ी है तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको रख देती हूँ। और देखिए ये सब साड़ी जो मैं वीडियो बनाई थी, वो सब प्रेस करके और वॉश करके प्रेस करके और इसको मैं वार्डरोब में डाल दी हूँ। और इसमें मैं हैंगर लगा के अभी हैंग करी नहीं हूँ, क्योंकि हैंगर मुझे देना है, तो वो सब लेके अभी वैसे ही मैं तह लगा के रख देती हूँ। और ये देखिए कुछ हद तक मेरा वार्डरोब सही हुआ है, पूरा तो नहीं कह सकते हैं, इसको टॉप वॉप बाहर पहन के जा नहीं रही, तो ऐसे ही अभी लगा दी हूँ, तो कुछ हद तक। और ये नीचे 5-6 ऑफिस का लैपटॉप है, ऑफिस में अभी काम चल नहीं रहा है, तो ऐसे ही रख दी हूँ। और ऊपर में मैं पर्स वर्स रखती हूँ, जो भी मतलब कुछ ठीक ठाक कर दी हूँ, खास तो नहीं करी हूँ, फोल्ड वोल्ड लगा कर दी हूँ, तो ये देख सकते हो बस ठीक कर दी हूँ। और ये इसमें मैं बेडशीट पिल्लो कवर ये सब रखती हूँ, तो ये है वो ठीक है, वो सही है, तो देख सकते हो ये नजारा। मैं आ गई हूँ किचन लंच बनाने के लिए, काफी सारा काम था, सब काम खत्म करके अब लंच बनाने के लिए आ गई हूँ, और टाइम हो गया लंच का, तो सोची लंच बना के लंच कर देती हूँ, उसके बाद फिर कोई काम करूंगी। तो बर्तन ये सब भी धोती हूँ, रखती हूँ बर्तन सब, धोके अब लंच बनाऊंगी। और लंच भी मैं आज बना रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, पनीर ग्रेवी। तो पनीर ग्रेवी के लिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा टमाटो, एक मीडियम साइज का ओनियन,
जिंजर और गार्लिक का 8-10 ये करी गार्लिक, तो इस सबका मैं पेस्ट बना लूंगी आज। मैं कर मतलब तो काट के नहीं बनाऊंगी आज, सबका पेस्ट बना के तब मैं पनीर ग्रेवी बनाऊंगी। तो चलिए मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ अपना, मतलब प्रिपरेशन तो हो गया है, लंच बना लेती हूँ अपना, इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी पहले। तो इस सबको मैं एक साथ पेस्ट बना देती हूँ और आज लंच जल्दी बनाने आ गई हूँ। सोची कि जल्दी लंच बना दूंगी, थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी और काम भी बहुत था, तो आज सुबह उठने से पहले ही फायदा हो गया कि बहुत सारा काम पेंडिंग था वो सब काम हो गया और लंच भी बनाने जल्दी में आ गई। और लंच करके उसके बाद जो काम पेंडिंग है, आज रेस्ट नहीं होगा, जो काम पेंडिंग है वो सब काम में करूंगी, तो थोड़ा सा नॉइज आएगा। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है और कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ और उस साइड प्रेशर कुकर में चावल धो के रख दी हूँ और जब खाना होगा तभी मैं चावल को बनाऊंगी। और घी गर्म हो गया है तो अब इसमें मैं इलायची डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी, लौंग डाल दूंगी, 3-4 लौंग डाल दूंगी और डाल दूंगी इसमें एक बड़ी इलायची काली इलायची। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सोटे कर दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा। उसके बाद मैं थोड़ा एक हाफ ऑनियन काट के रख दी थी तो उसको मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे ये दालचीनी डाल दी, ये देख सकती हूँ ओनियन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो इसमें जो मैं पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट डाल दूंगी। फिर इसको हल्का सा चला के जो भी पेस्ट है से पूरा डाल दूंगी, फिर इसको मैं हल्का सा चला दूंगी, चला के फिर थोड़ी देर इसको पकने दूंगी। ये देख सकते थोड़ा सा ये पक गया है, अब इसको मैं मिला के फिर से इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मिर्ची ऐड करूँगी, और ये मिर्ची तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। फिर ऐड करूँगी धनिया पाउडर, फिर ऐड करूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है, और फिर से इसको चला दूँगी अच्छी तरह से, मिक्स कर दूँगी सबको अच्छी तरह से, मिक्स कर दूँगी 1 मिनट इसको पकने दूँगी मिक्स करके। ये देखिए मिक्स हो गया है सब अच्छी तरह से, अब 1 मिनट मैं इसको पकने दूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर क्यूब्स जो मैं काट के रखी थी। और इसमें जो पनीर ऐड करना है वो गर्म पानी में जो बॉयल करते हैं हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए, वो नहीं करना है, ऐसे ही पनीर इसमें ऐड करना है क्योंकि ये इसी में सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए मैं ये पनीर क्यूब्स इसमें ऐड कर दी और अच्छी तरह से इसको मिला दूंगी ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल जाए, और इसको 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि स्टीम में अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर चला जाए पनीर के अंदर। मिनट ढकने के बाद मैं फिर से इसको चेक कर दूंगी, देखिए इसमें थोड़ा सा स्टीम आ गया है, और क्या होता है ढकने से ना इसमें जितना भी मसाला का फ्लेवर है आ जाता है पनीर में अच्छी तरह से। अब मैं ऐड करूंगी इसमें गरम मसाला, फिर मैं ऐड करूंगी इसमें कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी को हाथ पे लेके थोड़ा सा क्रश कर लेना है हल्का सा, तो ये कस्तूरी मेथी को हाथ पे ही मैं क्रश कर दूंगी, उसको मैं गरम करके क्रश नहीं करूंगी, ऐसे ही क्रश करके डालती हूँ और फिर अच्छी तरह से मिला दूंगी। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, पानी तो अपने हिसाब से ऐड करिए, जितना ग्रेवी खाना है उस हिसाब से पानी ऐड करिए, तो मैं 1 गिलास जैसा पानी ऐड कर दी हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिला के ढक देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिला के इसको ढक देना है, और 5 मिनट ढकने के बाद ये बन जाता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। और कुछ देर पकने के बाद मैं फिर से चेक कर दूंगी, तो देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसको मैं चला के फिर 2-3 मिनट इसको ढक दूंगी। ए फ्रेंड्स, तो बन गया मेरा सब्जी रेडी है पनीर, और अभी राइस बनाना है। तो हम राइस गरम गरम खाते हैं, तो खाते जब खाना होता है उसी टाइम में मैं राइस बना लेती हूँ, तो अभी राइस बन जाएगा। राइस बनने में तो ज्यादा टाइम लगता है, राइस तुरंत बन जाती है, और ये भी हो गया है। तो बन गया है मेरा लंच, अब हो गए नहाने के लिए, पतिदेव नहा के आते हैं, फिर हमारा लंच हो जाएगा। और ये देखिए मैं काम साथ के साथ कर देती हूँ, पूरा खाली है ये देख सकते हो, तो मेरा ऐसा ही है काम साथ के साथ खत्म करती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी काम करती हूँ पूरा बिखेरा हुआ है और बाद में आगे समेटूंगी, वो मेरे से नहीं होता है, सब साथ के साथ कर देती हूँ। बस एक रह गया है ये जो मैं खाने के साथ पेट भरूंगी इसको, अब ये बनेगा, 2 प्रेशर लगेगा, तब तक मैं दूसरा काम कर देती हूँ। चलिए आप ही मेरे साथ। और यहाँ मुझे बर्तन डालना है सूखने के लिए, तो ये स्लैब साफ करके और यहाँ बर्तन लगा दूंगी।
तो ये मैट पे ही मैं बर्तन सुखाती हूँ, बट मुझे लग रहा है आज ये मैट छोटा पड़ जाएगा बर्तन के लिए। तो जो भी बर्तन धोई थी, बहुत सारा बर्तन हो जाता है, तो जो भी बर्तन धोई थी, ये सब सभी सुबह का बर्तन है और धोई थी, ये सब यहाँ डाल दूंगी। यहाँ मैट पे डालने से जल्दी से सूख जाता है, इसलिए मैं वहाँ से मैं बास्केट से निकाल से मैं इस मैट पे ही डाल देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए और मुझे जल्दी से आसानी, मतलब फटाफट मैं इसको लगा सकूँ जगह पर। तो ये सब बर्तन मैं धो के और सुखाती हूँ, सूखने के लिए डालती हूँ, सुखाई नहीं हूँ, सूखने के लिए डालती हूँ, देख सकते हो। फ्रेंड्स, तो हमारा लंच आ गया है और हम टीवी के साथ टीवी देखेंगे, लंच करेंगे। आजकल हमारा लंच हो रहा है यही टीवी के सामने ही हो रहा है, तो उधर हम डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया और यही बैठ के खाना खाते हैं, वैसे चल रहा है हमारा। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हो गई है शाम और मैं थोड़ी देर सो गई थी, ऐसे ही काम वाम करके थोड़ा सा, मतलब क्या आधा घंटा जैसे सो गई थी मैं, और उठी हूँ, पूजा ही सब कर रही हूँ और आगे मैं चाय बना रही, तो अभी मैं किचन में चाय बना रही हूँ। और ये देखो गर्मी आते ही क्या होता है, फ्रिज में रखा हुआ दूध और उसमें चीनी। एक्चुअली मैं बॉयल करके कुछ देर बाहर छोड़ दी थी, शायद उसी में एक चीनी चला गया है इसमें, तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो यहाँ देख सकते हो एक साइड में चाय चढ़ाती हूँ और एक साइड में मखाना फ्राई कर रही हूँ। तो इवनिंग में मुझे मैक्सिमम मखाना चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज भी मैं मखाना ही सोची मखाना ही फ्राई कर दूँ, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मखाना फ्राई करने के लिए मैं घी डालती हूँ और घी मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, सब्जी में हो चाहे मखाना में हो, बटर खाती नहीं हूँ उतना, तो घी ही खाती हूँ। तो मैं घी डालती हूँ इसमें और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर का पाउडर और थोड़ा सा नमक घी में ही डाल दूंगी, और ये ऐसे फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ फ्राई करो तो बहुत ही अच्छा लगता है मखाना। और इस बॉक्स में मखाना रखती हूँ, तो आज मैं जितना भी मखाना खरीद के लाई थी वो सब खत्म हो गया है, बॉक्स पूरा खाली हो गया, तो फिर से मंगवाना पड़ेगा मखाना। और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी और चाय भी बन ही गया है मेरा, तो ये हल्का सा फ्राई कर दूंगी मैं इसको, तो मखाना भी फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ में अदरक भी मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ, तो मैं अदरक इसी में क्रश करती हूँ, ईजी होता है मुझे उसमें क्रश करना, तो अदरक डाल दी हूँ चाय में। और अब इसमें जो भी चाय ये सब धो के रख देती हूँ, साथ के साथ सब काम कर देती हूँ मैं, मतलब तो शाम में कुछ पेंडिंग नहीं रहे, मेरा काम होता है फटाफट, तो सब मैं काम कर देती हूँ। और यहाँ चीनी चाय पत्ती भी डाल देती हूँ चाय में ताकि चाय बनता रहे इधर, उस साइड में खाना भी फ्राई होते रहे, सब साथ में हो जाए। तो शाम मेरा बहुत ही बिजी होता है सब काम करते करते, मैं मतलब चाहती हूँ कि फटाफट मेरा सब काम हो जाए। तो अब चाय भी बन गई है मेरी और थोड़ा सा बॉयल्ड आएगा उसके बाद चाय भी कम, मतलब चाय बनने में टाइम ही कितना लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है चाय बनने में, तो यूं ही मतलब शाम का जो होता है ना यूं ही जाता है। और अच्छा लगता है बिजी रहना, मुझे तो बहुत पसंद है बिजी रहना, रेस्ट करना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो काम करने के बाद और यहाँ चाय भी मैं छान रही हूँ, और काम करने के बाद थोड़ा बहुत तो नींद आ जाती, तो हल्की फुल्की कभी कभी सो जाती हूँ, तो आज भी थोड़ी सी नींद आ गई थी, बहुत थक गई थी, तो आज भी थोड़ी सी सो गई और बन गया है मेरा चाय और मखाना भी फ्राई हो गया है, तो इसको भी ट्रे में डाल दूंगी और यहाँ मैं मखाना इसमें बॉल में निकाल दूंगी। तो ये मेरा मखाना और चाय रेडी है, तो आप भी पी लो और मखाना भी खा लो। तो चलिए करती हूँ मैं अपने चाय को एंजॉय, ठीक लग रहा है फेस, ये देख सकते हो मखाना बहुत ही अच्छा लगता है शाम को मुझे। और यहाँ मैं अपना मतलब मखाना एंजॉय कर रही हूँ, टीवी भी देख रही हूँ, साथ में मखाना भी खा रही हूँ, और वो बोल रहे हैं कि उनके लिए नहीं छोड़ोगे क्या, सब खा जाओगे, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है यहाँ। तो चाय के साथ ना मेरा शाम मतलब सबसे फेवरेट टाइम जो होता है ना, ये चाय के साथ ही होती है, या सुबह हो या शाम हो, फेवरेट टाइम होता है मेरा ये। और टीवी भी देख रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ और साथ में बातें भी कर रही हूँ मैं यहाँ। और चाय पीने के बाद कुछ देर बात बातें करने के बाद हम दोनों मूवी देखने लगे, और मूवी देखते देखते कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला, और मैं यहाँ डिनर में लेट हो गई, तो मैं बोली आप मूवी देख लूँगी, थोड़ा मैं डिनर बना के आ जाती हूँ, तो मैं इधर आ गई, मूवी तो फिर से कंटिन्यू कर दूँगी, एक्चुअली देखा हुआ मूवी था, तो मैं डिनर बोली आप देखो मैं डिनर बना के आ जाती हूँ तब तक, तो मैं यहाँ आ गई डिनर बनाने के लिए।
फ्रेंड्स, तो रेडी हो गया है मेरा डिनर, ये देख सकते हो, यम्मी डिनर। आज पूरी और टमाटर आलू की सब्जी बनाई हूँ। गाना चल रहा है कॉपीराइट। तो आ गए हैं हम डिनर करने, और हम एक ही प्लेट में खाएंगे क्योंकि प्लेट बार बार धोना पड़ता है मुझे ना, तो इसीलिए हम एक ही प्लेट में खाएंगे आज। तो स्किन केयर ये सब तो जो ब्रश व्रश करना है वो सब मैं कर दूंगी, उसके बाद होगा अच्छे से सोना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट। और जब अपलोड करूंगी तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होगा, तो भी गुड नाइट, बाय।